वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान, आप देख रहे हैं टेक पाकिस्तान। दोस्तों आज हमारे पास यहां पे मौजूद है इन्फिनिक्स का S5 जो कि मिल रहा है हमें पंच होल डिस्प्ले के साथ। तो एंट्री लेवल में कंपटीशन और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। यहां पे इन्फिनिक्स ने होल पंच डिस्प्ले के साथ आने वाला एक एंट्री लेवल का मिड रेंजर लॉन्च कर दिया है, इन्फिनिक्स S5 जो कि मिल रहा है हमें 24,000 रुपए की प्राइस रेंज में। तो अब क्या हमें प्रीमियम फ्लैगशिप फोन वाले फीचर्स एंट्री लेवल के मिड रेंजर्स में भी मिलना शुरू हो जाएंगे? मजीद इस फोन को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि क्या एक्सटर्नल फीचर्स हमारे पास इन्फिनिक्स के इस S5 में मौजूद है। बढ़ते हैं फोन की अनबॉक्सिंग की तरफ और बिना किसी टाइम को जाया किए हुए इस फोन की पैकिंग को खोल लेते हैं। तो कुछ हाइलाइटेड फीचर्स की तरफ हमारे पास यहाँ पे एक नजर डाल देते हैं। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ ये फोन हमें 24,000 रुपए के प्राइस टैग के साथ मिल जाता है। हीलियो P22 का प्रोसेसर, 4000mAh की बैटरी और एंड्रॉइड 9 पाई। बॉक्स को ओपन करते साथ सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमारा यूनिट मौजूद है जिसके ऊपर कुछ हाइलाइटेड फीचर्स वही सारे मौजूद हैं जो कि बैक साइड ऑफ द बॉक्स भी मौजूद थे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि क्वाड कैमरा सेटअप के साथ हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिक्स S5 मौजूद है, जबकि प्रीवियस वेरिएंट S4 में हमारे पास ट्रिपल कैमरा सेटअप मिला था। क्वाड कैमरा सेटअप हमारे पास यहाँ पे 24,000 रुपए के प्राइस टैग के साथ मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक बैगेज मौजूद है, ब्लैक कलर का कर दिया है, हमेशा ये व्हाइट कलर का आता है। थोड़ी सी मेहनत इन्फिनिक्स ने पैकेजिंग पे भी की है तो ये एक अच्छी बात है। सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है यहाँ पे और हमेशा की तरह प्रोटेक्टर भी इनसाइड ऑफ द बॉक्स मिल रहा है और पाउच, सारी चीजें इन्फिनिक्स स्मार्टफोन में हमारे पास हमेशा मौजूद होती हैं। काफी दिनों से हम देख रहे थे टेक्सचर्ड और डिजाइन वाले पाउचेस हमारे पास इन्फिनिक्स स्मार्टफोन में मिल रहे थे, अब हमारे पास क्लियर पाउच वापस आ गया है इन्फिनिक्स के S5 के साथ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ एक सिग्नेचर हेडफोन्स जो कि इन्फिनिक्स अपने सारे फोन्स में तकरीबन ही देता आया है, और हमारे पास यहाँ पे मिल रही है एक माइक्रो USB 2.0 की चार्जिंग केबल। यहाँ पे मौजूद है 5V 2A का एक बेसिक 10W का चार्जर जो कि हमें दिया गया है 4000mAh की बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए। एसेसरीज को एक्सप्लोर करने के बाद बढ़ते हैं हम अपने फोन की तरफ और फोन पे लगा हुआ फ्रंट प्रोटेक्टर उतार देते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं बैक प्रोटेक्टर की तरफ। इस फोन का कलर काफी इंटरेस्टिंग है, नया कलर दिया गया है। इस फोन के कलर का नाम है क्विट्जल सियान कलर। हॉट 8 में भी हमारे पास इस तरह का कोई कलर आया था इन्फिनिक्स के, और क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पे कैमरास का डिजाइन काफी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो कैमरा काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। AI क्वाड कैमरा सेटअप, 4 LED लाइट्स। अब क्या जितने कैमरा हैं LED लाइटें भी उतनी ही मिलेंगी हमें? 4 LED लाइट्स हमारे पास यहाँ पे मिल रही है। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे पीछे की तरफ दिया गया है। प्लास्टिक बिल्ड के फोन है, प्लास्टिक बॉडी यहाँ पे दी गई है, लाइंस का डिजाइन आपको नजर आ रहा होगा, अच्छा डिजाइन बनाया गया है। टर्न ऑन कर लेते हैं इस फोन को, इस फोन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। नीचे की तरफ हमारे पास वही ऑर्डिनरी चीजें, माइक्रो USB 2.0 का चार्जिंग जैक, रिंगर माइक्रोफोन और हेडफोन जैक दिया गया है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे डेडिकेटेड सिम स्लॉट, तीनों चीजें एक साथ लगाई जा सकती है, ड्यूअल सिम प्लस SD कार्ड। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, राइट साइड पे वही पावर की और वॉल्यूम बटन्स दिए गए हैं, कोई इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं है। उसके अलावा डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 6.6 इंचेस का 720p डिस्प्ले दिया गया है। होल पंच डिस्प्ले आपको यहाँ पे नजर आ ही गया होगा। फोन को जल्दी से सेटअप कर लेते हैं और जानते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों सिक्योरिटी फीचर्स के साथ फोन को सेटअप कर लिया है। 64GB इंटरनल स्टोरेज में से हमारे पास 53.954GB यूजर अवेलेबल बचती है, सामने ही हमें नजर आ गई थी। सिस्टम में हमेशा की तरह स्पेसिफिकेशंस हाईलाइट की गई हैं। यहाँ पे 16MP का क्वाड कैमरा सेटअप पीछे और 32MP का सेल्फी कैमरा यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा मेन चीज 720p का डिस्प्ले दिया गया है। 2GHz का प्रोसेसर यहाँ पे हीलियो P22 का दिया गया है। हीलियो P22 यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सकता था, हीलियो P22 से अब हम बोर हो गए हैं। एंट्री लेवल के बहुत सारे स्मार्टफोन्स में हमें हीलियो P22 और A22 मिल रहा है। प्रोसेसर में हमें अपग्रेड्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी। यहाँ पे डिजाइन और डिस्प्ले के हवाले से थोड़ा सा काम किया गया है, मतलब डिस्प्ले का फीचर जो कि होल पंच डिस्प्ले डाला गया है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे चेक करते हैं कि फेस अनलॉक की परफॉर्मेंस किस तरह की है। फेस अनलॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फेस अनलॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे इन्फिनिक्स S4 से थोड़ा सा बेहतर मुझे फेस अनलॉक इसका लग रहा है। फेस अनलॉक पे इन्होंने अच्छा काम किया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर को चेक करते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक से थोड़ा सा स्लो है, लेकिन यह है कि फेस अनलॉक इसका सही है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी सही है, फेस अनलॉक से थोड़ा सा स्लो है, फेस अनलॉक अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन तो इस फोन का ठीक ही है। अब देखेंगे कि डिस्प्ले के बाद फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद ये फोन डे टू डे यूजेज में क्या परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, बेंचमार्क्स में क्या स्कोर्स आते हैं, और कैमरा जो कि लगाए गए हैं चार उनमें हमारे पास यहाँ पे जैसे कि देखा जा सकता है कि वाइड एंगल और पोर्ट्रेट मोड के फीचर्स को तो यहीं पे ही इंक्लूड किया गया है। वाइड एंगल के शॉट्स हैं यहाँ पे और
बुके मोड, और उसके अलावा तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देखेंगे कि क्वालिटी किस तरह की प्रोवाइड करता है। कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्विक ओवरव्यू में ये कैमरा किस तरह की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। S5 को एक्सप्लोर इस अनबॉक्सिंग वीडियो में तो नहीं किया जा सकता है, इस फोन के लिए एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो बनाएंगे और इस फोन का कुछ मिलते जुलते प्राइस के साथ आने वाले फोन्स के साथ कंपैरिजन भी करेंगे और देखेंगे कि ओवर दोस फोन इन्फिनिक्स S5 हमारे पास यहाँ पे किस तरह का कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।